वेलकम बैक पीपल ऑन अनदर लास्टिक वीडियो। आज की एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक और स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर के बारे में, और आज का एपिसोड नंबर होने वाला है 71। तो आप सभी जानते हो पोकेमॉन जर्नीस कितना ही बढ़िया चल रही है, और हर हफ्ते हमें एक से एक बढ़कर एपिसोड दिखाए जाते हैं, और बिल्कुल वैसा ही अमेजिंग एपिसोड होने वाला है नेक्स्ट वीक का, जो कि एपिसोड नंबर 71 होने वाला है। उसमें हमें सिर्फ एक लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं बल्कि दो दो लेजेंडरी पोकेमॉन देखने के लिए मिले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें दिखाए जाते हैं ऐश और गो, जो कि खड़े होते हैं कहीं पर, और उनके सामने होती है एक स्पेसशिप, और जिसके दरवाजे में एक आदमी आता है जो कि बॉक्स लेके आ रहा होता है, और वो आदमी होता है ये। और फिर हमें उस आदमी के पूरा चेहरा दिखाते हैं, फिर हमें ये नीले कपड़ों वाला इंसान दिखाया जाता है। ये शायद मेरे ख्याल से लड़की है कोई, और उसका नाम मुझे नहीं पता। तो फिर हमें दिखाई जाती है एक नाइन टेल जो कि आइस अटैक कर रही होती है, और ये नाइन टेल पक्का गैलेरियन नाइन टेल ही है, क्योंकि जो नाइन टेल होती है नॉर्मल वो फायर टाइप है, और ये नाइन टेल आइस अटैक कर रही है तो ये आइस टाइप है, जिसका जो कि बहुत क्लियर होता है कि एक आइस टाइप पोकेमॉन है और गैलेरियन नाइन टेल है। और फिर हमें दिखाया जाता है ऐश और गो जो कि किसी चीज़ को देख के चौंक जाते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है उरिशिफू, और ये कौन सी स्ट्राइक वाला है, सिंगल स्ट्राइक या डबल स्ट्राइक, ये तो मुझे नहीं पता। फिर हमें दिखाया जाता है ये रेजी आइस है, पता नहीं कौन सा रेजी की गज होता है ये, जो भी है इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ इसका नाम। और फिर हमें ये वाला ट्रेनर दिखाया जाता है जो कि ऐश और गो के साथ एक केव में होता है या ईगलू में होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है ऐश और गो जो कि उसकी बातों को ही सुन रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है गो को जो कि वो कुछ बोल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है इस नाइन टेल को, और ये नाइन टेल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका आर्ट स्टाइल लग रहा है मुझे, तो अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गया हूँ मैं। और फिर हमें दिखाया जाता है इस एपिसोड का टाइटल, जो कि क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि जैपनीज मुझे नहीं पढ़नी आती। और फिर हमें ये सीन दिखाए जाते हैं जिसमें एक साइथर होता है, और फिर वो कुछ अटैक करता है किसी चीज़ पे, और फिर हमें यही नाइन टेल्स दिखाई जाती है। और फिर हमें ऐश और गो दिखाए जाते हैं जो कि सो रहे होते हैं, और सोते सोते उठ जाते हैं वो। फिर हमें ये ट्रेनर दिखाया जाता है जो कि पलटता है, और फिर यहीं पर ये प्रीव्यू भी ख़त्म हो जाता है। तो आज के प्रीव्यू से देखकर ये पता तो चलता है कि इसमें हमें दो लेजेंडरी पोकेमॉन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें हमें एक नाइन टेल भी देखने के लिए मिलेगी। और नाइन टेल का क्या चक्कर होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा, बस इतना ही है कि एक स्नोई जगह पर जाएंगे जिस पर बहुत सारी स्नो होगी, ऐसी जगह पर जाएंगे और वो सारे पोकेमॉन से इनकाउंटर करेंगे, या फिर जो होगा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस नाइन टेल को गो कैच करेगा, क्योंकि ऐश तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, या वो जो हमें दूसरा ट्रेनर दिखाया गया था जो ऐश और गो के साथ ईगलू में था फायर बॉन्ड की साइड, वो कैच कर सकता है या तो, और जो होगा वो देखा जाएगा नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट एपिसोड में। तो मैं भी आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद और वंदे मातरम।